ओके हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल बी स्टिंग द फर्द पोएम ऑफ योर क्लास फर्स्ट सिलेबस एंड द नेम ऑफ द पोएम इज आई सॉ अ शिप अ सेलिंग सो इस हेडिंग अकॉर्डिंग टू द हेडिंग वी कैन सी ही यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि उसने एक शिप देखा है सो यू कैन सी अ चाइल्ड हेयर वो कहता है कि उसने एक शिप देखा है और एक सेलिंग शिप देखा है एक तैरता हुआ ठीक है शिप देखा है उसने लेट सी वॉट इज गिवन इन द पोएम आई सॉ शिप अ सेलिंग ऑन द सी मैंने एक शिप देखा और वो सेल कर रहा था वो तैर रहा था और समुद्र में मैंने उसे तैरता देखा एंड ओ इट वॉज ऑल लेडन और हाँ वो तो पूरा लदा हुआ था लेडन का मतलब लदा होना विद लवली थिंग्स फॉर मी और उस शिप में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे लिए थीं। देर वर एप्पल्स इन द कैबिन और उस कैबिन में कैबिन एक छोटा सा कमरा होता है शिप में शिप एक बड़ा जहाज होता है आप जानते हैं और उसमें एक कमरा होता है कैबिन जिसको हम कहते हैं और उस कैबिन में कुछ एप्पल्स थे एंड बनानाज इन द होल्ड और बनानाज भी रखे हुए थे तो होल्ड आप मीनिंग देख सकते हैं द पार्ट ऑफ अ शिप वेयर थिंग्स आर केप्ट तो बनानास वहाँ रखे हुए थे होल्ड एक जगह है जहाँ पर कुछ सामान रखे जाते हैं ठीक है द स्पूंस वर मेड ऑफ़ सिल्वर और वहाँ जो स्पूंस थे वो चांदी के बने थे एंड द कप्स वर मेड ऑफ़ गोल्ड और जो कप थे वो गोल्ड के बने हुए थे सो इट इज़ अ शॉर्ट पोएम एंड इमेजिनेशन एक इमेजिनेशन है एक बच्चे का जिसमें वो एक शिप को देखता है और उसमें वो केबिन देखता है केबिन एक कमरा होता है होल्ड एक जगह होती है जहाँ पर सब सामान रखा जाता है और उसने सिल्वर चांदी के चम्मच भी देखे और कप देखे गोल्डन कप देखे सो इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन स्टूडेंट्स एंड दिस वाज़ ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम इस पोएम में बच्चा वो शिप देखता है और बाकी सारी चीज़ें भी देखता है सो so, As you saw, the word meaning of it also. So, it is a very short poem, students. You can learn this poem also. And uh, you have to write it in a you know, copy also. And if you have any doubt in this poem, again, you can ask in your doubt clearing classes. Okay? This is all about the explanation, everything of the poem. Hope you liked it. And do do learn it. And if you have any doubt, again, I am saying you can ask me. Thank you for watching the video, students. We will continue in the next video with the further chapter. Hope you have a nice day.